ये कहाँ से आया? प्रियांशु ये चुप गया। और गायें और बकरे सब साथ में होते हैं। नहीं, ये पीला पीला तो दिख रहा है हल्का हल्का, ये नीचे चला गया। What's up everybody, welcome to another vlog। वो देखो प्रियांशु को उधर, वो पता है जूसर धो रहा है। कल उसने एप्पल का जूस बनाया था, आज उसने अनार का जूस बनाया है। धोने से मेरे को एक चीज याद आई, पता है मेरे नीचे बहुत सारे कपड़े रखे हैं यहाँ पे और मेरे को सारे के सारे धोने हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन ये चीज पूरी की पूरी सूख चुकी है। ऊपर से पूरा सूख रहा है, वहाँ वहाँ हरा है। नहीं, वो वाला पेड़ बिल्कुल अलग है और ये वाला बिल्कुल अलग, मतलब ये दूसरी चीज का है, वो दूसरी चीज का है। ये भी सूखने लगा पूरा का पूरा, येलो येलो तुम्हें पत्ते दिखाई दे रहे होंगे कितने सारे हैं। प्रियांशु बता रहा था दादा ने यार उसमें पता है लकड़ी लगा दी सपोर्ट के लिए। अरे मेरे को यहाँ से दिखाई दे रही है शायद, नहीं नहीं यार वो तो छोटी सी, वो देखो बड़ी सी उसके साइड में रखी हुई है, शायद वही वाली हो, वो रही बड़ी सी। पता है वैसे गांव में ना घास काटने का टाइम आ चुका है और हमारे जो खेत है ना, ये वाला पीछे तक है, बहुत लंबा है, तो यहाँ पूरी की पूरी ना घास उगी हुई है। वैसे तो घास काटने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग काटते हैं साउथ इंडियन वाले हथियारों से, कहने का मतलब जो दाथी होती है ना उसी से। वैसे पता मैं क्या सोच रहा था, घास काटने वाली मशीन होती है ना उससे हम पूरी की पूरी घास काट सकते हैं, लेकिन ये जो घास है ना ये बहुत लंबी है, इसलिए पता ये वाली घास कटेगी नहीं सही से। बाकी तो वैसे यार जो गार्डन होते हैं, लॉन होते हैं, वहां की घास काटने के लिए रोबोट्स होते हैं छोटे छोटे, और मशीन भी होती है क्योंकि उनकी घास ना काफी ज्यादा छोटी होती है। और ये वाली घास सख्त भी है, बहुत भी है। पहले पता ये वाला पेड़ हमें बहुत बड़ा लगता था, शायद हम इस पे झूला करते थे। अब मेरे को याद नहीं आ रहा ये वही वाला पेड़ है या वो पेड़ गायब हो गया यहाँ से। और पता हम इस पे भी चढ़ा करते थे, ये बकरी का फेवरेट है। यहाँ पे ये वाला पेड़ बहुत लंबा है, तो वैसा ही हो रहा था जैसे डब्बे में। वैसा तो हो रहा था, ओरिजिनल था ना, थोड़ा सा तो बन गया था, लेकिन थोड़ा सा नहीं, आधा बन गया था, आधा गिलास। हाँ हाँ, तो अनार का ज्यादा भी थोड़ा निकलता है, कितनी छोटी छोटी दानी थी। हाँ पता है बहुत सारी चीजें डलती है उसमें, बहुत सारे अनार भी डलते हैं, तब जाके बहुत सारा बनता है। जितना अनार था उसके हिसाब से तो बनी गया। दो सेब के बना एक गिलास पूरा। सेब का अच्छा भी हुआ ना थोड़ा, तो एक छोटा सा घर बनाते हैं। क्या करेगा उस घर का, घुस भी नहीं पाएंगे हम। घुस जाएंगे, बड़ा बनाएंगे ना। कीले हैं बहुत सारी, कील भी है, हथौड़ा, कील, बहुत सारी चीजें चाहिए। हथौड़ा, कील, आरी, ये तीन चीजें सब पे भारी, ये तीन मेन चीजें पता है जो हमें चाहिए। आरी है पर आरी से हम काम नहीं करेंगे, आरी रहने दो, वैसे बन जाएगा भैया। शेप काटनी पड़ती है, साइज काटना पड़ता है, मेजरमेंट का काम है पता है। अच्छा नहीं बना ना पर। यही है मेरा काम है क्या, अगर बनाओ तो अच्छा बनाओ, नहीं तो मत ही बनाओ। हाँ है, आजी पीछे चले खेत पे उधर फिर से, वहाँ सांप होगा भी। धूप में सांप निकलता तो है वैसे, लेकिन फिर चल के देखते हैं थोड़ा सा। छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा अच्छा भी नहीं है ना। ना यार मूड नहीं है मेरा, कुछ और बनाए। क्या था यार वो लकड़ी काम की, फिर चाचा आएंगे ना फिर पता ही है तेरे को। मेरी होती चीजें मैं तो यूं बना लेता, रिस्क नहीं ले फालतू के। मैं बिना कील के बना देता, वो पट्टी तो चाहिए ही होती ना बस। भाई बिना कील के भी बन जाए, लेकिन बस मैं लकड़ी और पट्टियों से बना सकता हूँ, कील की जरूरत भी नहीं है, हथौड़ी कुछ नहीं। पता मैंने अभी भी प्लान किया मैं घास काट के आता हूँ पीछे जाके खेत में, लेकिन पता मैंने अपनी लाइफ में अभी तक घास काटा नहीं है और मेरे को शायद सही से काटना आता भी नहीं है। लेकिन मैं काटूंगा ना, कम से कम मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे सही से सीखने में, फिर मैं आराम से काट लूंगा। जब मैं ऊपर मंदिर में जा रहा था, तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को घास काटते हुए देखा होगा, तो पता घास काटने का वाकई में सीजन आ चुका है। सारे के सारे लोग तो वैसे चालू हो गए, बस हम लोग रह रहे हैं। देखो माल्टा पीला होने लग गया, पीला हो रहा है ना, फिर ऑरेंज होगा, झड़ रहा है वो, बहुत टाइम है रे बाबा इसमें तो। क्या करना है इसका, फेंक दो, ले कैच खा ले कर। ओ लग गई इसकी सब्जी, पता हम लोगों ने कल बनाई थी, अच्छा हो रहा था खाने में। अरे यार ब्रेसलेट गिर गया, चल बैट ले, क्या बैट बॉल खेलते हो, पर सही जा रहा है बॉल, वैसे खोने का तो पता नहीं लेकिन नीचे गिर जाएगी, दिक्कत ही है। ये देखो घास कितनी सारी है, यहाँ पे भी है, चल होने वाले के लिए। अब बड़े बड़े तो हो गए भाई, पकने भी वाले होंगे, अभी पकेंगे तो पेड़ में थोड़ी दवाई डाल के, ड्रम में पकाएंगे, वो थोड़े छोटे छोटे हैं ना अभी, इसमें वो भी बड़े हो जाएंगे तब। ये देख, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया, वही तो मैं बोल रहा। अरे भाई ये तो हमने देखा ही नहीं, कहाँ छुपा था, एक वो देखा था, ये भी देखा, इतना बड़ा है, एक और दिख गया। ओ हाँ देख, वो रहा पीछे, यहाँ तो अलग ही खेती चल रही है भाई, इतने सारे वाकई में गड्ढा बना रखा है जो है ना। क्या बताया, ये कद्दू मैंने देखा नहीं कहाँ से आ गया, मैंने तो अभी अभी देखा, घर ले जाएंगे से अभी, अभी नहीं वो पीला नहीं हुआ ना ज्यादा, बुढ़ा देंगे तब। पता हम बहुत सालों से इसी पेड़ के नीचे रखते अपनी लकड़ियाँ, तुम तो करते घास बहुत बड़ी है, देख बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, काट रखी है, ये पूरा खेत साफ कर रखा है। ये भूतिया पेड़ है, देख के लग तो रहा है, लेकिन क्यों सही होता, लोगों ने वहाँ पूज रखा है, अरे वाह क्या बात है। वैसे तो पता मैंने भूतों की बहुत सारी कहानियां सुनी अपने गांव में, लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है और मुझे देखना भी नहीं है यार, लेकिन यकीन मानो पता है यहाँ पे भूत होते हैं। हम लोग पता है यहाँ से जा रहे सीधा, और वो भी एंड में, आगे भी पता है हमारे खेत हैं काफी सारे, ये देख यहाँ है बहुत सारी घास यार, बड़ी बड़ी होगी,
अरे बाप रे कितनी बड़ी घास है, वो पैर पूरा अंदर तक जा रहा है यहाँ पे। सही में पता बहुत सारी घास है और बहुत बड़ी घास है। पहले प्रियांशु हम उगाया करते थे यहाँ दाल वगैरह, मैंने अपने सामने गेहूं उगते हुए देखे हैं, दालें उगते हुए देखी है, बहुत सारी और भी काफी सारी चीजें। अब कहाँ जाना है, यहीं पे या आगे ऊपर? चल चले। प्रियांशु ये चुप गया, ये निकाल यार। ओ हो अरे यार चलो वो फटा, यहाँ आके मेरे कपड़े फटे और कुछ नहीं भाई। ऊपर जाना है, रास्ते तक नहीं पता चल रहे हैं। बहुत बड़ी घास है, बहुत ही ज्यादा बड़ी घास। कुमरा भी लग गया मेरे पे तो। सीन हो गया यहाँ और कुछ नहीं। ये देखो पता है आधा कवर हो रहा है घास पे। सही में भाई यहाँ बहुत बड़ा ब्लेड लाना पड़ेगा घास काटने के लिए, पूरा खेत साफ करना पड़ेगा। वो गया 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 गया, पता नहीं कितनी बार गिर चुका मैं जब से इधर आया हूँ। यहाँ से जाना है नीचे। पेड़ पे क्यों चढ़ रहा है? जो मेरा वीडियो था ना जो कम्युनिटी पोस्ट में लगा था उसमें करीब 130 124 व्यूज थे, अब व्यूज हो चुके हैं 171। शायद एक दो लाइक भी बढ़े हैं, तो कहने का मतलब है थोड़े बहुत लाइक बढ़े हैं और उसके बाद थोड़े बहुत व्यूज बढ़े हैं, लेकिन एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा। यहाँ पे कटिंग चालू हो चुकी है घास की। पता है एक तो बांध दिया मैंने और बहुत सारे बांधने अभी, आगे चलते हैं। वो देखो जिन लोगों का घर रोड के पास और पानी की जगह के पास होता है ना उनका सबसे मस्त है, दोनों चीज की कोई दिक्कत नहीं। हाँ लगा देगा इस पे तो प्रियांशु, पतले पे बांधेगा ना और भी आसानी से बांधेगा। चलो भाई अब क्या करना है, घर जाना है। A few moments later. पता है मैं क्या फिसला यहाँ से नीचे, सही में रिकॉर्ड होना चाहिए था यार, वो भी कैमरा मैंने बंद कर दिया था। प्रियांशु तू लेट जाएगा ना यहाँ, दिखाई भी नहीं देगा पता है। आप ही निकाल दे, घर पे निकालूंगा यार मैं, देखो पूरे पे लगे हुए हैं। चल चल बेटे चल चल भाग ले जल्दी। अब इसको खाते हैं, कुछ भी खा लो जो दिख जाए। क्या है ये? जो दिख जाए उसी को खा लो। नशे की गोलियां लग रही है भाई सही में। पागल बना रहा था तू, वहाँ एकदम पीछे एंड में गया जहाँ भाग रहता है। दादी ने देखा था वहाँ बाघ, मम्मी और दादी एक दिन अकेले गए थे उधर, तब बाघ था बहुत बड़ा सा। दादी से बोलूंगा देखो ये रसुआ। हाँ यही रहता है पता है, यहाँ जंगली सूअर भी आते थे कभी कभी रात को। चल चले गाय लेने। मौसम कैसा हो रहा है यार, 3 बजे भी देखियो ऐसे हल्की हल्की छाया यहाँ पे। हाँ 3 बज गए। वैसे पता मैंने ये चीज प्लान करी थी मैं गायें चराने जाऊंगा, लेकिन पता ये प्लानिंग करे हुए मेरे को शायद 2 महीने हो चुके होंगे, पता मैं अभी तक गया नहीं। लेकिन मेरे को पता टाइम निकालना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, कहने का मतलब पता यहाँ ड्यूटी लगती है और जितनी भी गाय है ना गाँव की वो सारी के सारी मतलब एक दो बंदे लेके जाते हैं और देखते हैं यार कल किसकी बारी है, फिर शायद मैं उस बंदे के साथ चला जाऊँ। और गाय और बकरे सब साथ में होते हैं? बकरे अलग होते हैं। मजे किसमें आते हैं, गाय वाले में बकरे वाले में? बकरे वाले में। ये फूल उगाए हैं क्या किसी ने? अपने आप हो गए? अपने आप हो गए। देखो यहाँ पे मंदिर है और यहीं पे फूल हो गए और कहीं पे नहीं हो गए ये वाले फूल। आ जाओ ऊपर आ जा, यहाँ पे आ गए गाइयाँ, आवाज तो सुनाई दे रही है यहीं कहीं है ऊपर। पता है मेरी एनर्जी डाउन हो रही है हल्की हल्की और मेरे को पता है हल्की हल्की नींद भी आ रही है, और इसकी वजह पता है क्या है? कल रात को पता मैं 4 बजे तक एडिटिंग कर रहा था। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पहले एडिटिंग करी और उसके बाद मैंने वीडियो को स्टेबलाइज किया, तो जब मैंने वीडियो को चेक करा ना तो स्टेबलाइज में हो गई प्रॉब्लम। कहने का मतलब जो एडिटिंग हो रखी थी ना वहीं से प्रॉब्लम थी, और उसके बाद पता मैंने अपने ब्लॉग को दोबारा एडिट किया फिर स्टेबलाइज किया, ऐसे करते करते 4 बज गए। गाइयाँ फुल स्पीड में आ रही है लड़ते हुए, गायें देखिए तो यहाँ जा रही हैं। ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ, मार देगी नहीं तो। वो बकरे देख पीछे से आ रहे हैं, वो देखो बाकी क्यों आ जा रहे हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो जब सीधी उंगली से घीना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। चल ये तो ऐसे भी नहीं बकरी, अरे मूड नहीं आज इस गाय का, थक गया बेचारा शायद, ये धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ये जा ही नहीं रहा आगे। मैं बताता हूँ कैसे करते काम। 1 2 3 चल, ये नीचे चला गया और बाकी ये दो उसको ला जाओ, वो डरते है ना क्योंकि वो आ जाएगा। चलो बढ़िया शाबाश, समझदार गाय हमारी। चल ये बेचारा थक गया खा के, इसे नींद आ रही है शायद। चल लात ना मारे, सीधा 10 फीट पीछे जाऊंगा मैं। उसकी पीठ में मारो हाथ। चल यार मुड़े, जैसे क्यों डरेगा, मेरे से कोई डरता ही नहीं है, डरते शैतान से लोग, जानवर नहीं डरते मेरे से। इस गाय का सिंग कैसे टूटा? एक गाय के साथ लड़ाई हुई तब अच्छा। मेरे को तो पता नहीं था, मैंने सबको पीटा, सबको घर भगाया था मैंने। ये देखो कैसे भाग रही है। घास देख प्रियांशु, अरे कितना बड़ा हो गया एक दिन में, एक दिन में बड़ा ने भाई, मैंने कहा था ना बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इतना था फिर। ये देखो मूवी बनने जा रही है हॉलीवुड की, ये एशियन बुल हमारे। लेकिन दादा उस रेलिंग से तो कलर निकलता है, निकलता है दादा, निकलता है दादा। वो मेरी व्हाइट टी शर्ट है वो खराब अब तो। ये देखिए किस प्रकार यहाँ मेरे कपड़ों पे जुलम होते हुए, ये देखो दादा सफेद बन गया है ऑरेंज यहाँ पर। दादा गलत जगह गलत चीजें हैं, सबके निकालने पड़ेंगे पता है।
पजामा भी गया, सारे निकलेंगे यहाँ से। ले तू नीचे लगा। प्रियांशु कहाँ चला गया? मैं तो लेके आ रहा हूँ अपने कपड़े नीचे। क्या मिर्च लेके आना है? ये देखो खाते समय खीरा ले आओ, यहाँ से मिर्च लेके आओ यहाँ से। ये फायदे होते हैं जब तुम्हारे पास खेत होते हैं, जब मर्जी कुछ भी निकालो। ये री मिल गई, काफी लंबी है ये। एक ये री मिल गई भाई, दो। ये देखो सर्दियों के निशान, ठंड होने लग गए दादा, सामने कोहरा। मैं ऊपर जाने वाला था बंदे से पूछने कि कम्युनिटी पोस्ट का हुआ क्या, लेकिन वैसे मेरे को जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार मेरे को सब कुछ यहीं से पता चल रहा है। सिर्फ मेरे 10-15 व्यू आए हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। पॉपकॉर्न लेते हैं भाई तब तक। हवा देख के मुझे लगा नहीं था कुछ होगा इसके अंदर, लेकिन है। दादी सेब नहीं है? इतना बड़ा सेब है। चाकू का यार, कल तक तो इधर ही था भाई। मिठाई है इसमें बची हुई, और ये तो फुल भरा है, क्या बात है। खानी है मिठाई? अरे वो हमारी नहीं है, किसी और की मिठाई निकलने वाला था मैं अभी। यहीं रख दो इसको। इंडिया आ गई खेत से, क्या बात है। ये अलग ही सी है, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। दादा कहाँ है भाई? दादा चाय है? प्रियांशु चाय पिएगा? नहीं दादा। कोई नहीं, मेले मेले बना दो थोड़ी सी, अपने लिए भी बना लेना थोड़ी सी। सही में पता है ड्यूटी सी हो गई है, सुबह इन सबको बाहर रखो और रात को इन्हें अंदर लेके जाओ। ऐसे ही तो रखूंगा, ऐसे ही तो रखूंगा, ऐसे ही तो रखने दादी, और कैसे रखने। तो सजाऊं? टूट जाएगा ये, टूट जाएगा ना, इसीलिए सड़ जाएगा तब। मैंने पता कैसे रखा है, ये दिख रहे ना चार कोने, इनके ऊपर रखा है मैंने, उसके ऊपर नहीं रखा। टूट जाएंगे वो, रख दो उनको। ले भाई ऐसे रख ले, ये ले भैया हो गया काम। यहाँ रख देते हैं इसको, इधर आओ। उसको पता करंट लग रहा है उससे, चार्जर से। देखियो अबे यार, इतने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ रहा है ना, पर हल्का हल्का पड़ रहा है ना, मेरे को तो ज्यादा। जैकी को लेके आते हैं अंदर। जैकी चलो जैकी। अरे ये क्या लोचा है? अच्छा ये था क्या सीन? चल 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 चल, रॉन्ग साइड जा रहा है, चल आ जा, बैठ जा यहीं पे। ईयरफोन कहाँ है भाई? एडिटिंग करने चलते हैं।